देखो जा रहा, देखो हाथी पीछे रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। व्लॉग गाइस आए क्या बोलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, संदीप सिंह व्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो यहाँ पे आए थे हम लोग मरियम टोली, जहाँ पे हाथी का आतंक मचा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक परिवार के एक सदस्य को हाथी ने कुचल कर मार डाला है। तो वहीं पर आए थे हम लोग। देखिए गाँव बहुत ही जंगल के अंदर है, मतलब इसके चारों ओर जंगल ही जंगल है और ये गांव बीच में बसा हुआ है। और देखिए ये गांव में पूरा अभी सुनसान है अभी। हाँ तो दोस्तों अभी 11 बज रहा है, 11:06। तो हम आए हैं किसके साथ, सरोज भगत द व्लॉगर, जसपुर का फेमस व्लॉगर के साथ आए हुए वीडियो बनाने। ये है सरोज भगत, यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा गांव का जायजा ले रहे हैं। गांव ज़्यादा दूर नहीं है, जसपुर से थोड़ा ही दूर है, जसपुर से मात्र 10 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। और ये आपको मैं शुरू में ही बताया था, ये गांव थोड़ा बीच में है और सबसे जंगल है, तो इस वजह से यहाँ पे हाथी आ जाता है। और तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जिनकी जिनके पति का अभी रिसेंटली यहाँ पे वो हो गया है, अभी 2 दिन पहले ही मतलब हाथी ने उन्हें जान से मार डाला। हाथी यहाँ जंगल गए थे उनको, मतलब जंगल सुबह सुबह गए थे खुकड़ी पुटू उठाने ऐसी, तो वहाँ पे अचानक हाथी आके उनकी हत्या कर दिया। और ये उनका घर, ये उनकी वाइफ है। इनका कहना है कि ये जंगल के आगे में ही है वो जगह जहाँ पे हाथी ने इनके पति को वो कर दिया था, मार दिया था। तो यार उतना ढलान तो नहीं है, हल्का है, लेकिन भी तब आप अब इतना बड़ा जानवर दौड़ आएगा, हम लोग का पाँव तो छोटा छोटा चलता है ना, वो तो पता नहीं, हम लोग का 4 पाँव चलने से भी ज़्यादा 1 पाँव चलेगा। तो गाइस अगर आपको पता चला कि आपके गांव के आसपास हाथी आया हुआ है, हाथी का दल आया हुआ है, तो कृपया करके हाथी की ओर ना जाएं। हाथी कभी भी पलट के हमला कर सकता है गाइस। खुद भाई, आपके खुद भाई, अच्छा ये मतलब आप ही के परिवार वाले हैं। अच्छा तो मतलब आप लोग इधर अलग अलग रहते हैं, ये लोग रहते हैं, यही घर है ना, यही घर है और ये आप लोगों का घर है। ये जो ख़त्म हो गए उनके छोटे भाई हैं। आप पूरा कुछ घटना के बारे में कुछ बता पाएंगे, इस घटना के बारे में, इतना टाइम वहाँ से आते थे? 5 बजे यहाँ से निकला था। अच्छा, क्या उनका क्या नाम था? इसहाक टिग्गा। इसहाक टिग्गा नाम था उनका, है ना। हाँ ठीक। फिर सुबह 5 बजे निकला था वो, आजकल सीजन के हिसाब से खुखड़ी उठाने, तो घूमते घूमते इधर से घूमा तो पता नहीं, लेकिन जंगली एरिया है, हल्का जंगल, वो एकदम घनघोर जंगल में है, हल्का जंगल। उसके बाद में 6 ही बज गए था होगा, 6 और 5 के बीच में घटना हुआ है। सुबह जंगल गए थे तो। हाँ। तो फिर पता कैसे चला कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया है आपके भाई के साथ? तो वो घूमते घूमते खुखड़ी उठाने गया, उसके बाद में वो कैसा कैसा हुआ उसको तो पूरा क्लियर नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसे घर हाथी घूमते थे तो उससे मुलाकात हुआ, क्या हुआ उसको नहीं जानने सके। तो दूसरा आदमी जो सामने में था और इधर हम लोग खेत तरफ, हम लोग ढेर आदमी लोग निकले थे मछली लाने के लिए, तो हाथी को हम लोग देखे तो हम लोग फ़ोन लगाए गांव तरफ कि कौन कौन जल्दी निकलते हैं खुखड़ी उठाने, उन लोग को फ़ोन लगाए, बुलाए फ़ोन करके वापस, नहीं हम लोग घूमने जाते हैं, उन लोगों को फ़ोन किए, फ़ोन किए तो जिसको आधा मारा था वो मोबाइल नहीं पकड़ा था, तो घर वालों घर में उठाए उन लोग कि निकल गया है बेटा तुम्हारा पप्पा, ऐसा सा खबर बता रहे हैं बोल के अपना मम्मी अपना बेटा को थोड़ा देखने के लिए निकलो, ऐसा करके बोले। तो यही इतना खेत तक गया था, खेत तक गया था, उतना में हम लोग बांध के तरफ आधे लोग उधर हये थे, तो उसका आवाज़ हाथी का आवाज़ भी मिला और जिसको जख्मी किया था वो नहीं, जिसको मारा उसका उसका आवाज़ भी मिला, तो हम लोग समझ गए भाई जन को मारा, तो हम लोग समझ गए कि किसी को तो मारा यार, लेकिन हम लोगों का सोच था कि महिला लोग भी उसी जंगल में घूम रहे थे अगढ़ी वाले,
तो हम लोग सोचे कि वही महिला तीन चार जन घूमते हैं कुकड़ी उठाने, उनमें से किसी एक को मारा, ऐसा हम लोग का सोच था। उसके बाद हम लोग निश्चिंत थे। अब वहाँ से वापस आए, जैसे भी वापस आए यहाँ बारी आसपास, तो वही लड़का देखने गया था कि किधर घूम रहे बोल के, तो उसी को पाया और तुरंत एकदम जल्दी जुम गए हम लोग, उधर ही निकले थे सब तब हाथी देखने के हिसाब से, तो तुरंत मिले और उसको उठा के एकदम जल्दी से लाए। उधर से तत्काल गाँव में दौड़ते जैसा तैसा भी वहाँ से वापस आ गया खेत तक। तो खेत के पास बैठा, वहाँ से उठने नहीं सका, उसको उठा के लाए जैसा तैसा उठा के लाए यहाँ गाँव। मतलब आप लोग उठाए तब तक जिंदे जिंदा थे? नहीं, वो दूसरा आदमी, दूसरा आदमी उसके बाद ही। अच्छा, तो उसको ले आए गांव और गांव में उसको घर भी नहीं घुसाए, डायरेक्ट उसको गाड़ी में बैठा के डायरेक्ट भेज दिए जसपुर। हाँ, जसपुर भेज दिए। उतना था कि इसको हमको पता नहीं था, इसको कोई नहीं जान रहे थे, आपका भाई नहीं जान रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ ना, लोग फोन लगा रहे हैं उसको, वो तो मोबाइल पकड़ा था, अब बता रहे मोबाइल तो स्विच ऑफ स्विच ऑफ। तो लोग अपने लड़के के साथ माँ और उसका बेटा एकदम निकले खोजने के लिए, तो मिला है। अच्छा, मतलब एक ही दिन में दो जन को? हाँ, वही तो बता रहे, इसको ले के आए और उसको उधर को पता ही नहीं था। हाँ, उसके बाद में लोग गए, माँ बेटे दियो दोनों जन। उसके बाद में मम्मी को शायद वापस करवा दिया, तुम भागने में से कि हुआ है, वो है ये था, उतने के लिए था। अकेला वो गया, लेकिन जहाँ जहाँ खुखड़ी उठाने जाते उसको उसका अंदाज था, सीधा ही गया पुलिया से थोड़ा ऊपर। उसके बाद में उसको भेंट हुआ और मोबाइल उठा लिया, तो मरा हुआ को देखा और साइड में अपना लड़का तो थोड़ा डरेगा, तो मोबाइल को उठाई और फोन लगाया अपना मम्मी सबको, तो एक पूरे इधर हल्ला गुल्ला मच गया, तो हम लोग सब यहाँ गाँव से निकल गए। उसके बाद हाथी किधर का भागा? वहाँ यहाँ से हम लोग जाने के बाद सीधा मुहमटल निकल गया उधर, इस साइड एकदम आगे ना, यहाँ ही कहाँ आगे, हवी पट्टी से थोड़ा सा नीचे। अच्छा, जो नया हवी पट्टी जो बना है ना नीचे। उसके बाद उसको देखे और वो उतना के लिए तो बहुत ज्यादा पूरा भीड़ हो गया वहाँ, झड़गांव खटोली पूरा पहुँच गए। और उसको लेके गए थे जो एक जन को जसपुर भेजे थे, हम लोग फोन किए उन लोग को बताए, तो उन लोग नाका उका को तुरंत खबर दिए और नाका लोग जस्ट पहुँचे साथ में। अच्छा, और उन लोग कागज़ कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद उन लोग अपना पुलिस सब का उन लोग फोन किए और पुलिस सबको बुलाए और अपना कागज़ कार्रवाई नाका तो शुरू कर दिया था। चलिए ठीक है फिर। तो गाइस, इनका कहना है कि उस दिन दो घटना घटी थी। एक घटना पहले हो चुका था जब उनको वापस लाया गया, उनको यहाँ पे ला के गाड़ी में बैठा के उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उसी वक्त वो दूसरी घटना थी जब इनके भाई का वो घटना दूसरी घटना था। और ये वो भी जंगल गए थे अपना खुकड़ी उकड़ी उठाने के लिए, तो उसी टाइम ये घटना घटा। इसके इनके बताने के हिसाब से यही समझ में आ रहा है अभी फिलहाल। तो ठीक है गाइस, तो अभी चलते हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही जांच पड़ताल कर ली गाइस बहुत ही ज़्यादा। और उनकी जो वाइफ थी जिनके पति ख़त्म हो गए, उनके बारे में सुन के बहुत ही ख़राब लगा गाइस। तो और बाद में मेरे को वहाँ के वीडियो बनाने का मन भी नहीं किया, अब क्या ही बार बार वीडियो बनाते रहेंगे, बार बार किसी को ऐसे पूछना भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। तो उनके बगल में उनके भाई का घर था, वहाँ पे जाके मैंने उनसे पूछताछ की तो पता चला उनके बारे में, और उनके भाई ने भी बताया वो सब कुछ। और ये जो कांड हुआ, ये जो हादसा हुआ हाथी का जो कुचलने वाला, ये ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही दूर होगा। अभी जब हम लोग जाएंगे रास्ता के बीच में, तो हो सके अगर मेरे को वो जगह मिला तो मैं वो जगह को आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा और दिखाऊँगा। तो चलिए ठीक है, फिर चलते हैं।